पटके है यहाँ देखिए को पताल में बता देंगे बुढ़ा आदमी है यहाँ देखिए पताल में है यहाँ देखिए मुड़ी साला के पकड़े हैं गोड़ से साला 300 फुट है तो हम हो जाएंगे साढ़े तीन सौ भगवान है अपने ये है तो ये देख लीजिए जी एकदम पताल में है पताल लोक में जो दूर राजा दशरथ और विष्णु भगवान मारे थे जाकर के मशान घाट तो जब आने लगे तो औंठा ले ली विष्णु भगवान कह के ले जाइए तो कहते हम नहीं ले गए तो आपके नाम होगा आप मारे हैं इसलिए आप लेते जाइए तो लाए थे इसका 5 कोस में शरीर है बाबा 5 कोस में 5 कोस में और 300 फुट लंबा है 300 फुट लंबा लेकिन ये बोल दिया था कि पांचों के बीच लेके शंकर जी दशरथ जी विष्णु जी जय हिंद दोस्तों आज हम लोग आ गए एकदम प्रसिद्ध जगह सीताकुंड क्योंकि तो बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों यहाँ पर और गया एकदम प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये चलिए आज मैं आप लोग दिखाता हूँ सीताकुंड नज़ारा। दोस्तों आज का ब्लॉग है बहुत ही खास क्योंकि आज हम लोग आए हुए सीताकुंड गया बिहार क्योंकि गया जैसे 6.5 किलोमीटर दोस्तों जगह का नाम धनवा ये ठीक विष्णुपद का अपोजिट साइड मंदिर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये फल्गु नदी तो पानी भी बहुत भरा हुआ है लेकिन इस नदी में कहीं पानी रहता नहीं है वैसे बरसात का पानी इसलिए यहाँ पर दिख भी रहा है। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ राजा दशरथ का पिंड दान यहीं सीताकुंड में किए थे और पितृपक्ष के समय यहाँ पिंड दानियों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खास चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं आज इसलिए दोस्तों बिना वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। पहले के मुकाबले बहुत ही शानदार बना दिया गया इस स्कूल को क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो पूरा पानी भरा हुआ नदी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो इस नदी में कहीं पानी आता नहीं है माता सीता का शराब इस नदी में पानी कभी नहीं रहेगा इसमें क्योंकि अभी बरसात का पानी इसलिए है भी ये तुरंत सूख जाएगा ये दोस्तों। वहाँ देखिए वो काला वाला वो विष्णुपद मंदिर है तो क्योंकि अभी बंद है लॉकडाउन के कारण नहीं तो वहाँ भी जाते हैं आप लोग दिखाते हैं मंदिर का पूरा व्यूज। दोस्तों आज आए हुए सीताकुंड में नदी में पानी है जिसके फल्गु नदी यह है सीताकुंड का मेन द्वार दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और आप लोग दिखाएंगे पूरा व्यू। यहाँ फोटो और वीडियो सब मना है लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तुमसे परमिशन मिल गई अब मैं आप लोग दिखाता हूँ पूरा मंदिर के अंदर का व्यू। यह देखिए दोस्तों यही है सीताकुंड यही मेन मंदिर है दोस्तों और देखिए यहाँ पर राजा दशरथ का हाथ भी है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया इस चीज़ को। दस वाला।
फोटो वीडियो एलाने हैं जो मैंने कभी अपलोड किए। ये देखिए, ये है गया सूर, ये है गया सूर। इनके पीछे कुछ कहानी है दोस्तों, जो कि यहाँ के बाबा अभी आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। कच्ची बोल रहे उठा था गया सूर खाली बस राजा दशरथ था, विष्णु भगवान मारे थे जाकर के मसान घाट। तो जब आने लगे तो औंठा ले ली, विष्णु भगवान कह के ले जाइए, तो कहते हम नहीं लेंगे, तो आपके नाम होगा, आप मारे हैं इसलिए आप लेते जाइए, तब लाए थे। इसका पांच कोस में शरीर है बाबा, पांच कोस में और 300 फुट लंबा है, 300 फुट लंबा। लेकिन ये बोल दिया था कि पांचों के खींच लेके शंकर जी, दशरथ जी, विष्णु जी के तुमको हम नाक से खींच लेंगे। हाँ, तब लपटिया के मारे हैं। ये देखिए इनको हाथ टूटा है बाबा, दिखाओ, हाँ टूटा हुआ है। तब मसान का हाथ इसका कलेजा पर बनाइए, तब मारेंगे, न तो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। आवाज भी अगर आपको लाश नहीं फुकाएगा तो दूगो मरने के लाश बना के जलाना पड़ता है बाबा, ना हाँ मसान घाट में, हाँ पड़े दिन जाना, अगर वेको को बॉडी नहीं लेना आया, हाँ पुतला बना के जलाया जाता है। और ये देखिए राजा दस नहीं जाते, तो चरण है, ये चरण है, तिल आए हैं, अच्छे जो वहाँ से है ना, वहाँ से पत्थर आए हैं, वहाँ पटके थे तब। राजदशा दिवस चरण ये है, गैसोर इनको पटके है। यहाँ देखिये पताल में बता देंगे, बुढ़ा आदमी है, यहाँ देखिये पताल में, यहाँ देखिये मुड़ी साला के पकड़े है गोड़ से, साला 300 फुट है तो हम हो जाएंगे 350। भगवान है अपने, ये है तो ये देख लीजिए जी, एकदम पताल में है, पताल लोक में जब अवकाश में पकड़ लीजिए, अवकाश ऊपर में है, नीचे पताल लोक। अच्छा ये देखिए, मतलब पैर से पकड़ लिया ना अपना, अपना पैर से पकड़ लिया ना, हाँ ये देखिए पकड़ लिया, पताल लोक में ना, ये आकाश लोक में, ये देखिए पकड़ ले है, ये देखिए मुड़ पकड़ा है, हाँ यही है मेन गया सूर जी, हाँ ये गया वैसी तब पटकाया है बाबा, अब समझ गए थे, ये देखिए यही है गया सूर, ये है गया सूर, आधा ही टूट गया है, क्या सो का ये वाला बहुत बड़ा उठा था जो कि अभी आधा टूट गया है। दोस्तों ये बाबा ने हम लोगों को बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में, जो कि हम लोगों को कभी पता भी नहीं था इस बारे में, क्योंकि सुन गए मैं दोस्तों, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, इस बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम ठाकुर महाराज की जय, वो देखिए दोस्तों वही है मसान घाट, जहाँ डेली कम से कम दो बॉडी चलना ही चाहिए, अगर बॉडी नहीं है तो इंसान का पुतला को बनाकर जलाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर पूरा अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सीता वाटिका पार्क बना हुआ एकदम, ड्रिंकिंग वाटर, पांच मिनट में आए,
तो देखते बहुत बढ़िया। यह देखिए दोस्तों, यहाँ एक ही जड़ में दो दो पेड़ है, एक नीम का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। अनोखा चीज है दोस्तों ये भी यहाँ पर, मैंने तो इसका फर्स्ट टाइम देखा अपने लाइफ में अभी तक। सूर्य मंदिर है। जय सूर्य देवता की जय। इधर देखिए दोस्तों, इधर कितना अच्छा चित्रकला बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर एक बार जरूर आए और सीता कुंड में आके माता सीता का सेवा जरूर ले, क्योंकि बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्द मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।